सब किस तरह का ये पोस्टर बना है, जो चीज़ें इसके अंदर हैं उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या कहना है, किस तरह? जी, इसमें हमने कम्युनल हारमोनी के लिए बनाया था कि सब लोग मिलजुल के रहें, सद्भाव से रहें। और जिस तरह की चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है कि मंदिर पर फाइटिंग हो, मस्जिद के ऊपर स्टॉप, तो इस तरह की क्या चीज़? इस तरह का कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने बस कॉपी पेस्ट किया था नेट से, मेरा ऐसा किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं था। क्या नाम है सर आपका? कार्यक्रम। ठीक है, जैसे मेडिकल में जो पोस्टर लगा उसको लेके एक तरीके से जो कुछ लोगों ने उसकी बाबत ही जताई है। देखिए, जो मुझे लगता है कि इस तरह की बात उठनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ तो प्यार और मोहब्बत की बात की गई है, उस नज़रिए से इस पोस्टर को देखना चाहिए था, इस बैनर को देखना चाहिए था। और यहाँ पे हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ के चेयरमैन ने अपने रेजिडेंट से कहा कि वो एक हिंदुस्तान में जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से माहौल है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक हिंदुस्तान के हर एक आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा जो था बहुत दिनों तक हिंदुस्तान में था, ये है कि थोड़ा सा ये देखा गया कि इसमें कुछ हो रही है, तो हर एक पूरे हिंदुस्तानी को इसमें मेहनत मशक्कत करनी चाहिए कि अपने हिंदुस्तान को एक मजबूत, एक सोने की चिड़िया जो थी, उस दिशा में फिर से अग्रसर हो कि हमारे मुल्क में एक दूसरे से लोग मोहब्बत करने वाले हों। असल तो हिंदुस्तान से मोहब्बत तभी की जाएगी जब एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करे, दूसरे की परेशानी में शामिल हो। अगर वो डॉक्टर है, किसान पे परेशानी आ रही है, तो उसमें भी शामिल हो, तब ये समझ में आएगा कि कोई भी इंसान अगर परेशान है, उसकी परेशानी में अगर शामिल हो रहा है, तो ये समझो कि वो सच्चा हिंदुस्तान से मोहब्बत कर रहा है, नहीं तो सब दिखावा है, सब भ्रम है। इशू पे क्या कहेंगे? जिस इशू पे मैं तो कहूँगा कि ये इशू ही नहीं थी जिसको लोगों ने अपने नज़रिए से देखा, ये इसको उठाया, कोशिश की कि इसको वो किया जाए, इसमें ऐसा कोई नहीं है। ये एक दूसरे से मोहब्बत करने की दिशा में बनाया गया ये था कि कम्युनल हारमोनी हिंदुस्तान की बरकरार रहे, एक दूसरे से लोग मोहब्बत करें और हिंदुस्तान में यहाँ सौहार्द बरकरार रहे। मैं मोहम्मद हमजा मलिक नाम है, मैं RDA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मंदिर के नाम पर बदनाम करने की जो साजिश यूनिवर्सिटी से बार बार होती है, किस तरीके से देख रहे हैं? AMU मेडिकल कॉलेज के अंदर जो विषय आज आया है ध्यान में कि एक मंदिर के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने बैलून लगा रखा है कि मंदिर झगड़े कराते हैं, इसलिए मंदिर के आधार पर झगड़े बंद होने चाहिए, मस्जिद के साथ शांति प्रारंभ होती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अगर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है तो यह दिखाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर करने वाला, उसको व्यक्त करने वाला केवल मंदिर है। हिंदू संस्कृति उसको उजागर करती है, मुस्लिम संस्कृति, मस्जिद झगड़े कराने में पूरे विश्व में नंबर एक है, और 57 मुस्लिम देशों में झगड़े चल रहे हैं, हिंदुस्तान उन झगड़ों को रोकने का प्रयास कर रहा है। AMU की छवि को भी खराब करने का ये प्रयत्न है। इंतजामिया को बार बार आगाह किया जा रहा है कि वह विजिलेंस रखें, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग इस प्रकार के हैं जो बार बार इस प्रकार की गतिविधियों के आधार पर AMU को बदनाम कराने की साजिश रच रहे हैं। यह बड़ी साजिश हो सकती है, यह हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच में गहरी खाई को करना चाहते हैं उसकी साजिश हो सकती है। AMU के अंदर नक्शा विवाद हो, भारत के कुछ हिस्सों को हटा देने का विवाद हो, या मस्जिद के नाम पर पोस्टर लगने का विवाद हो, या फिर वहां पर हॉस्टल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों का भोजन एक ही तेल में पकाए जाने का विषय हो, यह गंभीर विषय है, और प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब को इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण परिसर का विजिलेंस के नाते से प्रॉक्टर टीम को जगह जगह पर लगाया जाना आवश्यक है। जिस कैंपस में भी गड़बड़ी होती है उस कैंपस का जो इंचार्ज है, जो सुपरिंटेंडेंट है, वह जिम्मेदार होगा, यह निर्णय करना चाहिए। क्या इसको लेकर क्योंकि पत्र लिखेंगे या सरकार से इसकी शिकायत करेंगे आप? मैं इसके विषय में जो है वाइस चांसलर साहब से बात करूंगा कि वह क्यों इंतजामिया बार बार नाकाम इन विषयों पर हो जाती है। सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो गतिविधियां होती हैं, लगातार गतिविधियां इस प्रकार से जो अराजकता पैदा करने वाली हों, वो हो रही हों, वो गंभीर है, इस गंभीरता को देखते हुए सरकार को भी एक पत्र लिखेंगे। पूर्व में तमाम इस तरीके के मामले प्रकाश में आते रहे, कहीं ना कहीं देखना चाहिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। हमने उसके विषय में इंतजामिया को बताया, इंतजामिया ने उनका संज्ञान भी लिया, और सरकार से भी हम लोग फिर अपेक्षा कर रहे हैं कि जो सरकार ने पहले निर्देश AMU को जारी किए हैं
उन निर्देशों में और कड़ाई लाई जाए। सर ये बताएं कि जो मेडिकल कॉलेज में पोस्टर लगे हुए हैं उनको लगाने का क्या मकसद था, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें? देखिए आपके संज्ञान से हमें ये पता चला है, और दूसरी चीज़ ये है इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जो पोस्टर हमने देखा है आपका, जो आपने पोस्टर आपके माध्यम से हमने देखा, उसमें हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आपको जैसे मालूम है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, ओके, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, तो इसमें कोई पैगाम जो है वो प्यार का पैगाम है, कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी हुई है इस चीज़ को इसके माने नहीं है। मेरे ख्याल से चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए, अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, जो मैसेज जो है उस मैसेज पे होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन जो है यूएन चार्टर्ड का दिन जो ये है ह्यूमन राइट्स का दिन है, 10 दिसंबर माना जाता है, और इससे पहले हम एक प्रोग्राम करके आए हैं जो हमारे यहाँ पर बीच कोर्स के प्रोग्राम था, मैं आपको दावत दूंगा उस प्रोग्राम को भी आप लोग थोड़ा कवर करें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है नेशन बिल्डिंग का काम होता है, मोहब्बत और प्यार का देते, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो यूएन का चार्टर्ड है या जो पर्टिकुलर डे होते हैं उसका सेलिब्रेशन होते हैं। सर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति के सदस्य हैं मानविंद प्रताप सिंह, उन्होंने शिकायत की है कि इस तरह के पोस्टर में जिसमें एक जो मंदिर का चित्र बनाया गया उसके ऊपर लिखा है स्टॉप फाइटिंग और मस्जिद के ऊपर लिखा है स्टार्ट लविंग, उन्होंने आपत्ति उठाई, उन्होंने ये कहा कि हम मानव संसाधन मंत्रालय को बीसी को इसकी कंप्लेंट भेजेंगे, शिकायत उसकी तरफ से दर्ज हुई है? देखिए आप शिकायत जो बता रहे हो हमारे संज्ञान में नहीं है, और किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप निराधार होते हैं, यहाँ पर सिर्फ बच्चों की जहन साजी करके बच्चों को देश के निर्माण के लिए ऊर्जा को प्रोत्साहित करा जाता है, वो हम कर रहे हैं।